हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 25 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरे अपडेट्स है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 18 अप्रैल को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार का सामना करना पड़ा, वहीं 2 मैच जीत के आ रही। वहीं अगर दूसरी टीम मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस 3 मैच जीत के आ रही, तो वहीं 2 मैच हार का सामना करना पड़ा। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे मुंबई इंडियंस 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में, तो जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैच जीत के आ रही, तो मुंबई इंडियंस भी 5 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे इक्वली दोनों एक दूसरे को बीट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 3 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद का 30% देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 60% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद का 159 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का भी 159 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का 228 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 190 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का 121 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 103 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे इक्वली दोनों का कंपेरिजन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच में वेदर कैसी रहेगी? तो मोस्टली क्लियर रहेगी, देखने को सन निकली हुई रहेगी। अब मौसम पूरी तरह क्लियर रहने वाली है। अगर वहीं सेल्सियस की बात करें तो 39.9 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 26% रहेगी, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो 157-58 में भी रन जा सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में लगभग इक्वली रन जा सकते हैं 145-50 के लमसम में। वहीं अगर इस पिच पे देखें तो अभी तक टोटल 64 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है, जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करे तो वो भी मैच जीत सकती है। यानी इस पिच पर हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी मैच हुए हैं अधिकतर मैच चेस में टीम जीती है। तो ज़्यादातर टीम के जो भी कैप्टन रहेंगे वो टॉस जीत के बॉलिंग ही चूज करेंगे। तो इस पिच पर मैच काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। टीम में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जहाँ पर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है सनराइजर्स हैदराबाद का। वहीं बैटिंग लगभग बैटिंग इक्वली चल रहा है। वहीं अगर बात करें मुंबई इंडियंस की, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, बट कुछ मैच में खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर पिछले मैच की बात करें तो पिछला मैच काफ़ी अच्छा खेलकर और जीत के आ रही है। तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे बीट भी करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी मैच होगा। दोनों जी जान लगा सकते हैं ये मैच जीतने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। फाइनली हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली। अब लास्ट चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मुंबई इंडियंस हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।